आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन। सवाई माधोपुर जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव को लेकर आज नामांकन भरने के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट परिसर में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ रही। नामांकन भरने का अंतिम दिन होने के कारण भाजपा कांग्रेस सहित बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि सवाई माधोपुर जिले में 3 चरणों में पंचायत राज आम चुनाव संपन्न होने 26 और 29 अगस्त तथा 1 सितंबर को मतदान होगा। 26 अगस्त को बामनवास और गंगापुर सिटी, 29 अगस्त को बौली मलारना डूंगर और 1 सितंबर को सवाई माधोपुर खंडार और चौथ का बरवाड़ा तहसील में मतदान होगा, जिसमें गांवों की सरकार चुनने के लिए 7,66,979 ग्रामीण मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है, ऐसे में बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अंतिम दिन अपने नामांकन दाखिल किए। हालांकि अभी तक भाजपा और कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की गई। कलेक्ट्रेट परिसर में भीड़ भारी होने के कारण पुलिस द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। नामांकन भरने के अंतिम दिन आज सवाई माधोपुर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा ने जिला परिषद के वार्ड नंबर 14 पर अपना नामांकन भरा। प्रेम प्रकाश शर्मा अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सवाई माधोपुर में पंचायत राज आम चुनाव में भाजपा अपना परचम लहराएगी और हर हाल में बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि गांवों की सरकार बनाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं। वे घर घर जाएंगे और भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों को बताएंगे। उन्होंने कहा कि विगत 2.5 साल में कांग्रेस के शासन काल में विकास अवरुद्ध हुआ, जिसे भाजपा जिला परिषद और पंचायत समिति के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेगी। सवाई माधोपुर से हेमेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अखिल कर रहे हैं जी, क्या तो आपकी रणनीति है और क्या कुछ रहेगा आगे? हमारी रणनीति तो सीधी सीधी है सर जी, कि जनता से जितना जनसंपर्क हो सकता है उतना करेंगे जी। और हमने जो पिछले दिनों में संघर्ष किया है विकास के लिए, वो हमारा जो है मोमेंट वो है, और उसी को आगे लेके हम बढ़ेंगे और आगे हमारे क्षेत्र का विकास हो और सवाई माधोपुर जिले का विकास हो। इसलिए कांग्रेस सरकार ने 2.5 वर्षों में जो राजस्थान का विकास को अवरुद्ध किया है, उसको जिला परिषदों के माध्यम से हम चाहेंगे कि एक बार नई ऊर्जा राजस्थान को प्रदान हो, विकास की नई आयाम स्थापित हो, उसके लिए हम सब लोग। सवाई माधोपुर जिले में बहुत जैसा कि आपने ट्रेंड देखा होगा, अभी पिछले दिनों 22-23 करीब 22 जो है या 21 उनके चुनाव हुए थे जिला परिषदों के, और उन्होंने 15 से ज़्यादा में जो है बीजेपी ने अपने जिला प्रमुख बनाए। तो हमारे प्रयास ये रहेगा कि सवाई माधोपुर जिले का प्रमुख और यहाँ की जो 7 पंचायत समितियाँ हैं उनमें अधिक से अधिक प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बने और विकास को एक नई गति मिले। वसुंधरा जी के टाइम पर जो काम हुए हैं, आज वो काम अवरुद्ध हो गए हैं, वो अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा करने के माध्यम से सरकार पर हम इस तरह का दबाव बनाएंगे जो गांव की सरकार है उसके माध्यम से, कि आने वाले दिनों में इन 2.5 वर्षों में जो कांग्रेस के बच्चे हैं या तो वो सत्ता छोड़ें या फिर विकास की ओर बढ़ें। ठीक, थैंक यू।